नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास नोकिया C30 है या फिर कोई और मॉडल है, तो यहाँ पे आप हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करने के लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसको खोल लेंगे। और हॉटस्पॉट थेटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसे ऑन कर देंगे। इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा। QR कोड से भी आप स्कैन करके आपका जो भी फ़ोन का लॉक है वो डाल के आप QR कोड भी यहाँ पे शो कर सकते हैं और उसका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। और QR कोड की मदद से भी स्कैन करके आप बिना किसी पासवर्ड एंटर किए कनेक्ट कर सकते हैं दूसरा मोबाइल। तो इसकी वीडियो अलग से है, चैनल पर जाके देख लेंगे। और बाकी रही हॉटस्पॉट के नेम की बात, तो यहाँ से आप क्लिक करके हॉटस्पॉट नेम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी डाल लेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाता है, तो सिक्योरिटी पे क्लिक करके आप सिक्योरिटी यही रहने देंगे, छोड़ देंगे। हॉटस्पॉट पासवर्ड आ जाता है, इस पर क्लिक करके हॉटस्पॉट का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली कोई सा भी रख लेंगे और ओके कर देंगे। इस पर क्लिक करके हॉटस्पॉट का पासवर्ड देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस आ जाता है, इसको आप ऑन रहने दीजिएगा ताकि हॉटस्पॉट अगर कनेक्ट ना हो किसी से तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए। इतनी सेटिंग करने के बाद आप बैक कर देंगे। तो इस टाइप से आप हॉटस्पॉट का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।